नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्मृति ईरानी से छीना गया शिक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद विभागों में फेरबदल कर सबको चौंका दिया है। मोदी सरकार की सबसे तेज तर्रार और विवादित मंत्री स्मृति ईरानी से शिक्षा मंत्रालय छीनकर प्रकाश जावड़ेकर को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा सदानंद गौड़ा से कानून मंत्रालय और चौधरी बीरेंद्र सिंह से ग्रामीण विकास मंत्रालय छीना गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पर ही देश के सबसे बड़े अभियान स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी थी। नरेंद्र सिंह तोमर को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया, जबकि रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। नए मंत्रियों में एमजे अकबर को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि अनिल माधव दवे पर्यावरण मंत्री होंगे। चांद नजर नहीं आया बीत 7 जुलाई को। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मनाया जाने वाला ईद का त्यौहार 7 जुलाई को मनाया जाएगा। नई दिल्ली में फतेहपुर मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बताया कि मंगलवार की शाम ईद का चांद नहीं दिखने के कारण अब बुधवार को 30वां रोजा रखा जाएगा और ईद उल फितर का त्यौहार अब बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। दरअसल ईद का त्यौहार दूज का चांद दिखने के बाद अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन मंगलवार को चांद न दिखने के कारण ये फैसला लिया गया। उधर जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी घोषणा की है कि ईद का त्यौहार 7 जुलाई को मनाया जाएगा। हालांकि केरल और जम्मू कश्मीर में ईद का त्यौहार आज ही मनाया जा रहा है। मीका सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला। 32 साल के एक मॉडल ने बॉलीवुड के चर्चित गायक मीका सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। देर शाम मीका ने भी पुलिस को जवाबी शिकायत दर्ज कराते हुए जबरन धर्म वसूली का आरोप लगाया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर वर्सोवा थाने में भैंदस की धाराओं 354, 323 और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि आरोप खारिज करते हुए मीका ने शाम को जवाबी शिकायत दर्ज कराई और कहा कि मॉडल उसे जबरन धन वसूलने का प्रयास कर रही है।